बच्चे फूल से कोमल होते हैं, जिन्हें बेहतर देखभाल और प्यार की जरूरत होती है। देश के बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, साथ ही उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया जा सके, इसके लिए यूनिसेफ निरंतर प्रयास करता रहता है। हाल ही में भारत में यूनिसेफ ने बच्चों की सेवा के 70वीं सालगिरह मनाई। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है। यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। वर्तमान में यूनिसेफ मुख्यतः 5 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है: बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता जिसमें लड़कियों की शिक्षा भी शामिल है, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल श्रम के विरोध में बच्चे और HIV/AIDS, साथ ही बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए यूनिसेफ निरंतर क्रियाशील है। यदि एक वाक्य में यूनिसेफ को परिभाषित किया जाए तो एक ऐसा संगठन जो सभी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करता है। वर्ष 1949 में यूनिसेफ ने भारत में अपने काम की शुरुआत की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के पहले पेनिसिलिन प्लांट, पहले DDT प्लांट के निर्माण और भारत की श्वेत क्रांति में यूनिसेफ का अहम योगदान है। भारत में यूनिसेफ के सफलतम 70 साल पूर्ण होने के अवसर पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन विगत 11 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित यूनिसेफ हाउस 73 लोदी स्टेट में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। भारत में यूनिसेफ के सफलतम 7 दशक यानी 70 साल के इतिहास पर ध्यानाकृष्ट कराते हुए कुछ यूनिसेफ कार्यकर्ताओं ने कहा, यूनिसेफ के लिए बहुत बड़ा दिन है। टुडे वी कंप्लीटेड 70 इयर्स ऑफ आवर वर्क इन इंडिया एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर इयर्स टू कम। इस 70 साल में हम पहले जब काम शुरू किए थे, वी स्टार्टेड विद फोकसिंग ऑन पेनिसिलिन फैक्ट्रीज। यूनिसेफ, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी सच अ पार्टनर विद विद द पीपल एंड विद द गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी इन इंडिया। एट द सेम टाइम सामने क्या काम है, कौन सी तरफ हमको नजर देना है, वी बीन रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस अलॉट। यूनिसेफ विल रिमेन अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर विद गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। किड्स ट्रांजिशन बेटर फ्रॉम स्कूल टू वर्क सो दैट दे हैव अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, और उनका एम्पावरमेंट का जो काम चल रहा है, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। आई एम एट दिस वंडरफुल इवेंट सेलिब्रेटिंग 70 इयर्स ऑफ यूनिसेफ। नाउ फॉर दिस इवेंट आई हैव कंपोज्ड अ सॉन्ग कमेमोरेटिंग द 70 इयर्स एंड इट हैज बीन अ लॉट ऑफ फन फॉर मी टू एक्चुअली कंपोज दिस सॉन्ग बिकॉज द लिरिक्स हैव बीन क्राउडसोर्स्ड फ्रॉम चिल्ड्रन अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड द सॉन्ग हैज बीन संग बाय चिल्ड्रन। सो इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद ऑल दीस किड्स इन क्रिएटिंग दिस ब्यूटिफुल एनर्जेटिक एंड सॉन्ग फिल्ड विद होप। आई ऑलवेज बिलीव दैट देयर हैव बीन 3 मेजर माइलस्टोन्स इन इंडिया इन आवर इंडियन हिस्ट्री। दैट इज 1947 वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस एज ऑल ऑफ यू नो, इन 1948 वी गॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन 1949 वी गॉट यूनिसेफ एंड यूनिसेफ हैज बीन डूइंग फैबुलस वर्क विद चिल्ड्रन। इस अवसर पर बच्चों ने एक भव्य संगीतमय प्रस्तुति भी दी जिसे उपस्थित जनों ने खूब सराहा। All right.